नमस्कार, कैसे हैं आप सब। ममता बनर्जी का एक ऑडियो लीक हो गया है फिर, और बंगाल में बांग्ला चैनलों पर वो ऑडियो लीक ऑडियो, और उसके बाद बंगाल में लॉकेट चटर्जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। यकीन मानिए कि भरोसा नहीं होता प्रथम दृष्टया कि किसी राज्य की मुख्यमंत्री इस तरह से दंगा कराने का षड्यंत्र रच रही हूं, और यह ऑडियो वायरल हो गया। ये पार्थो राय को धमका रही है, जो पार्थो राय एक तो उम्मीदवार भी है, विधानसभा चुनाव लड़ रहा है, और वो कूच बिहार क्षेत्र का जिला अध्यक्ष भी है, और उसे धमकाते हुए कह रही है कि पार्थो, ये जो सीआईएसएफ की गोली से जो लोग मारे गए हैं उनकी लाश देवो ना, उसकी लाश किसी को मत देना, और इस लाश के साथ हमें प्रोटेस्ट करना है, इस लाश के साथ हमें प्रदर्शन करना है, ताकि हम सीआईएसएफ के खिलाफ, हम अमित शाह के फोर्स के खिलाफ लोगों को प्रवोक कर सकें। राज्य की मुख्यमंत्री बेतहाशा, बेबस, एकदम से बेचैनी में यह कह रही है कि ये लाश एकदम से परिवार को नहीं देने देना है, और किसी भी हाल में इस लाश को परिजनों तक नहीं देना है। आप इस ऑडियो को सुनेंगे तो आपको अपने कानों पर भरोसा नहीं होगा कि ममता बनर्जी क्या कह रही हैं। थोड़ा सा ऑडियो स्लो होगा, लेकिन आप इसे सुनने की कोशिश कीजिएगा, फिर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनाएंगे। देखिए, इस ऑडियो में ममता बनर्जी कह रही है, आपने जो ऑडियो सुना होगा, उस ऑडियो में ममता बनर्जी कह रही है कि पार्थो सदस्य है टीएमसी का, और पार्थो राय न सिर्फ टीएमसी का सदस्य है, उम्मीदवार भी है, और वो जिला अध्यक्ष है टीएमसी का। पार्थो को वो कह रही है कि मुझे जानकारी मिली है, मीडिया रिपोर्ट है कि सीआईएसएफ ने गोली चला दी है। बताओ क्या हुआ है, क्या सीआईएसएफ की गोली से लोगों की मौत हुई है? उसने कहा हां दीदी, और वो बात जी 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 जी, पार्थो सिर्फ जी 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 कर रहा है। और ममता बनर्जी कह रही है कि लॉयर करोगे पहले, और ये बॉडी जो है, जो बॉडी गिर गई है, जो लोग मारे गए हैं सीआईएसएफ के गोली से, उसकी बॉडी को लेकर के हमें प्रदर्शन करना है, और इस बॉडी को लेकर हमें प्रदर्शन करना है, परिवार वालों को देना नहीं है, एफआईआर करानी है, परिवार वालों को करने नहीं देना है। ममता बनर्जी अपने पार्टी कार्यकर्ता, जो जिला अध्यक्ष है कूच बिहार का, उसको कह रही है कि जो चार लोगों की जो मौत हुई है वो सीआईएसएफ के द्वारा हुई है, और ये चूंकि एक खास समुदाय के हैं, ये एक तुष्टिकरण वाले समुदाय के, जिसके तुष्टिकरण के लिए ममता बनर्जी ये चीजें करें। मुझे लगता है कि अब तो ममता बनर्जी के खिलाफ, जो मैं उसी दिन से कह रहा हूं कि ममता बनर्जी के खिलाफ यूएपीए एक्ट का इससे महत्वपूर्ण मामला, इसमें कोई चर्चा नहीं कर रहा है। मैं वेरी फर्स्ट डे से कह रहा हूं, उस पहले
लीग से कि ममता बनर्जी, जिस दिन उसने भाषण में ममता बनर्जी ने कहा था उसकी घेर लो सीआईएसएफ को, सीआरपीएफ को, जब उन्होंने एक खास समुदाय के लोगों से कहा कि सीआईएसएफ के लोगों को घेर लो, उस दिन से मैं कह रहा हूं कि ये एक मामला है पूरी तरह से, जिस मामले में ममता बनर्जी के खिलाफ यूएपीए एक्ट बनता है। ममता बनर्जी इस ऑडियो जो लीक है उस लीक ऑडियो में कह रही है पार्थो से, पार्थो ये बॉडी परिवार को मिलना नहीं चाहिए, ये बॉडी अपने कब्जे में लो और लॉयर करो और वकील के मार्फत से एफआईआर करो, परिवार वालों को एफआईआर मत कराने दो, और इस बॉडी के साथ प्रोटेस्ट किया जाना है और मुसलमानों से यह कहना है कि यह सरकार, ये अमित शाह की सरकार यदि बंगाल में बन गई तो यहां पर एनपीआर लागू होगा, डिटेंशन कैंप बना दिया जाएगा और इस डिटेंशन कैंप में किसे रहना होगा, ये बात ममता बनर्जी कह रही है। ममता लगातार इस बात को लेकर के कह रही है, और क्यों हुआ, क्योंकि आप जानते होंगे कि शीतलकुची एक क्षेत्र है बंगाल में जो कूच बिहार इलाके में आता है, और शीतलकुची क्षेत्र में यह हुआ सामने, आप जरा सा इस ऑडियो को फिर से सुनेंगे तो आप चीजें साफ हो जाएगी आपकी। आपने इस ऑडियो में सुना कि ममता बनर्जी पार्थो से कह रही है कि पार्थो ये बॉडी अपने कब्जे में लेना है, लॉयर करना है, एफआईआर करनी है, और जो प्रोटेस्ट करना है इस बॉडी के साथ उसमें लोगों से कहना है कि डिटेंशन कैंप बनेगा और सब मुसलमानों को डिटेंशन कैंप में डाला जाएगा। सोचिए कि राज्य की मुख्यमंत्री कह रही है, जिसके पास जिसकी जिम्मेदारी है, जिसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को संभाले, राज्य की मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि लॉ एंड ऑर्डर को संभाले, उसके बदले वो क्या कर रही हैं, ये चीजें साफ दिख रही है। और पूरी लिबरल मीडिया की देखिएगा इस पे चुप्पी कैसे रहेगी, इतना खतरनाक बात राज्य के मुख्यमंत्री का ऑडियो लीक हो गया, कैसे 2002 के मामले को इन सब ने घिनाया लगातार, और आज ये ऑडियो लीक होने पे आप देखेंगे कि लिबरल मीडिया की चुप्पी कैसे रहेगी, ये वेव लड़ाके चुप कैसे रहेंगे। लेकिन ये मामला सामान्य नहीं है, ये राज्य की मुख्यमंत्री प्रदेश में कैसे दंगा कराना चाह रही है, ये ऑडियो लीक ममता बनर्जी का पूरा करियर चौपट कर देगा। मैं इसीलिए कहता हूं अक्सर ईश्वर बहुत महान है, हर साजिश कैसे बेकार होती है। ये बंगाल में जो चार फेज का चुनाव बचा हुआ है उसके लिए जो कोरोना का षड्यंत्र किया जा रहा है, मतलब एकाएक चार दिन में कोरोना आ गया, जब चार राज्यों का चुनाव खत्म हो गया बंगाल का चुनाव बाकी है। इस षड्यंत्र को सुनिए और तब आपको पता चलेगा कि ये साजिश कितनी बड़ी है। आपने इस ऑडियो को सुन लिया, इस ऑडियो में लगता है कि राज्य की मुख्यमंत्री कितना खतरनाक खेल कर रही है, और तुष्टिकरण की उसकी राजनीति ऐसी है कि अब मुझे लगता है कि आसमानी किताब से प्रेरित लोग भी ये समझ पाएंगे कि ममता बनर्जी उनके साथ खेला कैसे कर रही है, और ममता बनर्जी किसी से भी खतरनाक किस तरह से है, ममता बनर्जी किस स्तर तक जा सकती हैं, ये आप पूरी तरह से इस मामले में आपको बहुत स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। और ये ऑडियो जब लीक हुआ, मुझे आश्चर्य लगता है कि पार्थो राय
बंगाल में चुनाव है और पार्थो राय ने विधानसभा का चुनाव लड़ा है, कुछ बिहार में चुनाव हो चुका हुआ है और ये ऑडियो लीक कहां से हुआ, इसका मतलब है कि दो आदमी में जो बातचीत होती है तो तय सी बात है कि दोनों में से किसी एक ने किया होगा। बिल्कुल वैदेही ठाकुर जी कह रहे कि ममता पागल हो गई है, एकदम से इस वीडियो से साफ लग रहा है कि ममता मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गई है। उनके बोलने का तरीका जितना जल्दी 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 पार्थो पार्थो ये करना है वो करना है, जिस तरह से वो कर रही हैं उससे साफ लग रहा है कि ममता बनर्जी मानसिक रूप से पूरी तरह से विक्षिप्त हो गई हैं। ममता बनर्जी को हार जो है उनके सामने मंडराने लगा है, ममता को यह लगने लगा है कि उनकी हार अब कोई नहीं रोक सकता, उन्हें हार से अब कोई नहीं बचा सकता। इस पूरी प्रक्रिया से ममता बनर्जी की स्थिति स्पष्ट हो गई है, लेकिन सवाल ममता के हार और जीत का नहीं है, सवाल सिर्फ ये नहीं है कि ममता बनर्जी हारेंगी या जीतेंगी, सवाल उससे इतर बहुत खतरनाक है कि एक राज्य की मुख्यमंत्री जिसके ऊपर लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने का है, वो अपने राज्य में लॉ एंड ऑर्डर कैसे बिगाड़ देना चाह रही है। वो कह रही है कि ये जो चार बॉडी आई है, इस चार बॉडी को अपने कब्जे में लो, प्रोटेस्ट करो, एक लॉयर करो और ये बॉडी किसी भी तरह से परिवार वालों को देने मत देना, और इसको लेकर के प्रोटेस्ट करना है और ये फैलाना है कि कैसे ये मरवाया गया है इन लोगों को, और उसके बाद ये जेहन में डालना है। ममता ये कह रही है, ममता ये बात कह रही है कि ये जेहन में डाल देना है कि यदि बंगाल में बीजेपी की सरकार आ गई तो डिटेंशन कैंप में तुम सबको डाल दिया जाएगा। इसी डर से सालों से कांग्रेस ने सत्ता पर काबिज किया है, बीजेपी के खिलाफ इसी डर को लेकर के आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ यही डर फैला करके सालों तक कांग्रेस ने काम सत्ता हासिल किया और देश को नोटा लोचा लूटा, और अब ये काम ममता बनर्जी कर रही है। इसके बाद लॉकेट चटर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, मैं चाहूंगा उसे आपको सुनाऊं। ऑडियो क्लिप आपने देखे है, सब लोग सुना है, उसमें ये लॉकेट चटर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है तो क्लियर हो जाएगा। प्रतिम और शीतल कुची का वो कैंडिडेट भी है, 126 नंबर बूथ में रिगिंग हुआ था और रिगिंग रोकने के लिए उस दिन क्या हुआ था, क्या घटना हुआ था, अब सबको पता है। कुछ कुछ वीडियो हम लोग ने सब लोग ने देखा है कि एक बूथ में 200-250 बाहर से आके क्या क्या उनके हाथ में था, लोकल जो उनके हाथ में था, लोकल जो था अस्त्र सब लेके आ गया था बूथ में रिगिंग करने के लिए। और आज एक ऑडियो क्लिप आपको दिखाया है, उसमें बोल रहे हैं ममता बनर्जी जी कि आप डेड बॉडी को रख दो, कल हम लोग रैली करेंगे। क्यों? डेड बॉडी को लेकर राजनीति ममता बनर्जी का चरित्र में है, उसको ज्यादा पसंद है डेड बॉडी, उसको जो जीवंत होता है, जीवंत जो ह्यूमन बींग होता है उसको नहीं पसंद है, उसको डेड बॉडी पसंद है। क्यों? डेड बॉडी को लेकर राजनीति उन्होंने किया था तापोसी मालिक को, सबको मालूम है तापोसी मालिक सिंगूर में, तापोसी मालिक को लेकर उसके बाद क्या हुआ तापोसी मालिक को? कुछ भी नहीं हुआ। सिंगूर में पूरा लोकसभा चुनाव में सिंगूर का लोग मोदी जी को आशीर्वाद किया, और रिजवानूर को लेकर डेड बॉडी को लेकर राजनीति ममता बनर्जी का चरित्र में है। अभी ये बोल रहे कि अभी कल डेड बॉडी को लेकर प्रोसेशन होगा, जुलूस निकलेगा, और इसमें क्या होगा, इसमें कम्युनल दंगा बच जाएगा। उसको तो ये चाहिए क्योंकि वोट उनको चाहिए ना, वोट बैंक चाहिए उसका, किसका परिवार में क्या हुआ है ये उसको मालूम नहीं है, इसको ये उसको फर्क नहीं पड़ता है, उसको वोट चाहिए। इसके लिए जुलूस निकलेंगे, इसके लिए दंगा हो जाएगा, उसके लिए पूरा माइनॉरिटी वोट सब एक साथ हो जाएगा। अभी आप देख रहे हैं कि सीआरपीएफ के ऊपर बोल रहे हैं, जो सीआरपीएफ केंद्रीय वाहिनी 2011 चुनाव में जो ममता बनर्जी मांगा था केंद्रीय सरकार से सीआरपीएफ चाहिए नहीं तो वोट नहीं होगा, तो आज 2021 में वो बोल रहे हैं बूथ को सुरक्षा देने के लिए सीआरपीएफ आए है। अभी सीआरपीएफ को बोल रहे हैं सीआरपी को ऑफर केस होगा। योगेश जी ये लॉकेट चटर्जी हैं, बीजेपी नेता हैं, वो ममता बनर्जी के लीक टेप पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। आप एक प्रोफेशनल लॉयर के मार्फत सुंदर सजा के आप इसको सुंदर सजा के आप एक एफआईआर करें, और सीआरपीएफ और उनका राज्यों में जो एसपी है आईसीआई जो उस दिन का जो सच जो घटना घटी थी वो पूरा मीडिया के सामने बोल रहा है, उसको फंसाने का कोशिश कर रहा है।
क्योंकि हम लोग भी देखा है ममता बनर्जी के लिए कुछ कुछ काम वो लोग किया था, उसको भी लास्ट टाइम में जब फंसने जो लोग लेट से जुड़े हैं लाइव में उनको बता दूं कि ममता बनर्जी का एक ऑडियो लीक हुआ है, उसमें वो कूच बिहार के टीएमसी नेता से वो कह रही हैं कि जो चार बॉडी गिरी है, जो चार लाश गिरी है, उसे अपने कब्जे में ले लो, आज परिवार वालों को मत सौंपना, इसे हम कल जो है इसको लेकर के प्रोटेस्ट करेंगे और हम एफआईआर हम करवाएंगे, परिवार वालों को नहीं देंगे। उसी पर बीजेपी की प्रवक्ता का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मैं आपको सुना रहा हूँ, डिटेंशन कैंप होगा, एनपीआर होगा, क्या झूठ बोल रहे हैं? टीवी में भी ये सब झूठ बोले, एक बंगाली एक महिला मुख्यमंत्री होकर टीवी के सामने फोन में सबको झूठ बोल रहा है कि सबके सामने कंफ्यूजन करा कर देते हैं, क्योंकि सब माइनॉरिटी वोट इकट्ठा होके एक साथ होके उनको वोट देंगे। चार तो चुनाव हो गया, हम लोग तो सेंचुरी कर लिया, अभी बाकी चार चुनाव है और ये चार चुनाव कमाल की बात है कि नेशनल मीडिया में ये खबर गायब है अभी तक। तुष्टिकरण का पॉलिटिक्स, कम्युनल पॉलिटिक्स, दंगा बनाने का पॉलिटिक्स, ये सब ममता बनर्जी का ही चरित्र में है। वो उसको ये सब पसंद है क्योंकि वोट तो मानुष जो जनता है, जनता को ऊपर से विश्वास तो उनका चला गया है, इसलिए गुंडा मस्तन माफिया की तरफ बात कर रहा है, सामने बोल रहे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, सब शांति रहो और अंदर में फोन में बात कर रहे तुम डेड बॉडी रख दो, इसका जवाब और जो चार दफा है फेज है जनता इसका जवाब दे। लॉकेट ने एक ये लॉकेट चटर्जी थी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी बांग्ला मीडिया के सामने में, लेकिन उन्होंने हिंदी में भी इसीलिए बोला ताकि ये बात दूर तलक जाए और हो सकता है कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहां पर कुछ हिंदी मीडिया भी हो जो यहां से गई हुई है। इसीलिए लॉकेट चटर्जी ने ये पूरी बात कही कि कैसे ममता बनर्जी ने अपना राक्षसी स्वरूप दिखाया है, कैसे ममता बनर्जी ने वो सब किया कि हम बंगालियों का ये चरित्र नहीं होता और हम बंगालियों के साथ इस तरह से किया गया है। और ममता बनर्जी लगा के बारे में वो बता रही है कि ममता ने जो कुकृत्य किया है उस कुकृत्य को जनता के सामने लाना बहुत जरूरी है। जो लोग बहुत बाद में जुड़े हैं, चूंकि ऑडियो में आप लोग रिकॉर्डिंग में सुन लेंगे, लेकिन चूंकि बहुत बड़े पैमाने पे जो लोग अभी जुड़े हैं वो लगभग एक मिनट का वो वीडियो हम आपको 20-25 सेकंड का हम आपको वीडियो हम सुना देंगे, ऑडियो वो सुना देंगे। अभी हम आपको वो ऑडियो सुना दे रहे हैं कि कैसे ममता बनर्जी ने अपने टीएमसी कार्यकर्ताओं को क्या कहा है, जरा उसे फिर से सुनिए और ये कितना खतरनाक है इसे समझना बहुत जरूरी है। और इसके ऊपर तुरंत मुझे लगता है कि ममता बनर्जी के खिलाफ यूएपी एक्ट के तहत मुकदमा हो जाना चाहिए। आपने देखा कि इसमें पार्थो कह रहा दीदी कोनो चिंता करबे ना, कोई चिंता मत करो दीदी हम ये कर लेंगे। अब सोचिए कि किस बेसिस पे सीआरपीएफ या सीआईएसएफ की टीम ये जो बॉडी है वो ममता बनर्जी के कार्यकर्ता को दे देती है। ममता कह रही है कि इस बॉडी को फिर से समझिए, ममता कह रही है कि इस बॉडी को अपने कब्जे में ले लो, पूछ रही है जो मरने वाले लोग हैं वो कौन है। पार्थो कह रहा है कि मरने वाले लोग अपने लोग हैं, मतलब चूंकि वो शांति प्रिय समुदाय से है, वो तुष्टिकरण का वोट है, तो ममता कह रही है कि जो मरा है वो कौन है, किसकी गोली से मरा है,
तो उस समय तक जानकारी नहीं, इसने कहा सीआई सीआरपीएफ के लोगों ने मारा है। कहा कि मरने वाला कौन है, ममता पूछ रही है, तो पार्थो राय ने कहा कि मरने वाला जो है वो हमारा आदमी है, हमारा आदमी मरा है। तो बोला कि इसका ये जो बॉडी है वो कब्जे में ले लो, आज इसका जो है अंतिम संस्कार नहीं होना चाहिए, और ये परिवार वालों को देना नहीं, वकील करो पहले और वकीलों से राय लो। बोला दीदी अभी निकल रहा हूं, वकीलों से राय लो और वकीलों के मार्फत एफआईआर कराओ, परिवार वालों को टच मच होने दो। और फिर ममता कह रही है, और बहुत जल्दबाजी में है ममता कह रही है कि ये जो बॉडी है ना, इस बॉडी को अपने कब्जे में लेकर के और प्रोटेस्ट करना है हम सबको, और पूरे जिला में प्रोटेस्ट करो, और प्रोटेस्ट में उस इलाके में लेकर के बॉडी को लेकर के प्रोटेस्ट करो जिस इलाके में ये लोग रह रहे हैं, और इन्हें कहो कि देखो आज तो तुम्हारी लाश गिरी है, कल तुम सब डिटेंशन सेंटर में जाओगे और तब तुम्हारा हाल क्या होगा इस बात को सोचो। अब सोचिए ये बात कौन कह रहा है, ये बात राज्य की मुख्यमंत्री कह रही है, अपने ही राज्य में ऐसा दंगा फसाद कराना चाह रही है। और जिस मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी अपने राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी अभी भी राज्य के मुख्यमंत्री की है, चुनाव कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी आज भी ममता बनर्जी के पास है। तो जिसकी जिम्मेदारी राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की है वो क्या लाशों से खेलना चाह रही है। तो ममता बनर्जी अब सोचिए, ये ऐसे लोग महिला कार्ड खेलते हैं। अब सोचिए ये कैसी मां और ममता है, ये कैसी ममता है जो किसी के घर में जो बॉडी गिर गई है, जो लाश गिर गया है उसे लेकर प्रोटेस्ट करना चाह रही है। ये कैसी ममता है, ये कैसी दीदी है। दीदी बड़ा सम्मान का पद होता है, दीदी बड़ी बहन को कहते हैं, और बंगाल में दीदी पिता की बहन को भी कहते हैं, पिता की बहन माँ के तुल्य होती है, और हमारे यहाँ मिथिला में भी पिता की बहन जो है उसे हम लोग दीदी कहते हैं, बंगाल में भी वही कल्चर है। तो बंगाल में जो आप दीदी कह रहे हैं वो दीदी आप दूसरे स्टेट से उसकी तुलना मत कीजिए, बंगाल में दीदी का मतलब है बुआ, मतलब पिता की बहन, वो माँ तुल्य है। तो ये माँ तुल्य ममता जो है वो क्या कर रही है, इस चीज को बहुत समझने की जरूरत है, और मुझे लगता है कि ये बहुत सीरियस इश्यू है, इस मामले को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, और ये एक ऐसा मामला है जिसमें यूएपीए एक्ट बनता है ये मामला। अब इस चीज को क्लब करके देखिए तो ये चीजें साफ हो रही है, जो प्रधानमंत्री ने उस दिन कहा था कि ममता बनर्जी ने उस दिन कहा था उस शांति प्रिय समुदाय के लोगों से, तुष्टिकरण के अपने वोटरों से, कि तुम्हें जब वोट देने से रोकेगी सीआईएसएफ का जवान रोकेगा, सीआरपीएफ वाले तुम्हें वोट देने से रोकेंगे, तो सीआरएफ ये इन लोगों को घेर लेना और इनको घेर करके इनके ऊपर हमला कर देना। अब ममता बनर्जी ने ये कहा, उनकी दीदी ने ये कहा, उनके रहनुमा ने ये कहा, तो सीआईएसएफ के जवानों को इस कूच बिहार इलाके में घेर लेने की कोशिश की गई और उनका हथियार छीनने का प्रयास किया गया। ये बात कूच बिहार के डीएम ने घटना वाले दिन कहा था कि हथियार छीनने की कोशिश की गई। अब इस ऑडियो के सबूत अदालत साक्षी मानता है और सरकमस्टांशियल एविडेंस को मानता है। इस केस में मोटिव की जरूरत नहीं है क्योंकि हत्या नहीं है इस केस में, और साफ लग रहा है कि ममता बनर्जी का जो सरकमस्टांशियल एविडेंस है, परिस्थितिजन्य साक्ष्य जो है, उससे साफ लग रहा है कि चार लोग जो मारे गए हैं उसमें ममता बनर्जी की भूमिका है, और कायदे से मुझे लगता है कि इस मामले में ममता बनर्जी पर हत्या का केस भी लगना चाहिए, कि ममता बनर्जी ने हत्या की साजिश रची, सीआईएसएफ के जवानों ने जो सुरक्षा के दृष्टि से, आत्मरक्षा के दृष्टि से इन लोगों को मारा, चार लोगों को, ऐसे में ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी का यह प्लांटेड था। अब देखिए कि ममता एकदम से जैसे उस ऑडियो में बौखलाई नजर आ रही है और पूछ रही है, पार्थो ये बताओ कि कौन कौन मरे हैं, कितने लोग मरे हैं। पार्थो कह रहा है कि दीदी चार लोग, और आप देखेंगे उस ऑडियो में जो आपने सुना है कि ममता बनर्जी बहुत एक्साइटेड है, लेकिन पार्थो एक्साइटेड नहीं। पार्थो जी दीदी, या दीदी, हाँ दीदी, यही कर रहा है। पार्थो एक्साइटेड नहीं है कि हाँ ममता बनर्जी, मुझे लगता है कि पार्थो जब फेल हो गया होगा ये सब चीजों में, तो ऐसा एक कानून के छात्र होते हुए, लंबे समय तक अदालत की रिपोर्टिंग करने के अनुभव के आधार पर मैं ये कह रहा हूं कि ममता बनर्जी ने उसके ऊपर प्रेशर डाला होगा कि बॉडी कब्जे में लो, ममता बनर्जी ने प्रेशर डाला होगा
कि तुम कर नहीं पाए, इसके बारे में बेइज्जती, ऐसी महिलाएं बेइज्जत करती है बहुत। इस तरह की जो महिलाएं होती हैं वो बहुत बेजलील करती हैं पुरुषों को, और अक्सर मैंने देखा है जो महिला बॉस होती है वो बहुत जलील करती हैं। टेलीविजन में भी एक महिला बॉस हुआ करती थी शुरुआती दिनों में, मेरी बॉस तो नहीं रही कभी, लेकिन दूरदर्शन पे एक प्रोग्राम आता था आधे घंटे का, उसमें कई साथी हमारे जो है वहां काम करते थे, वो बताते थे उस महिला के राक्षसी स्वरूप का कि कोई ऐसी गाली नहीं है जो महिला नहीं देती थी पत्रकारों को, और वो अपने आप को मतलब वो जिस तरह की आप पुरुष द्वारा दी जाने वाली जितनी गालियां हैं वो महिला संपादक अपने रिपोर्टर्स को, महिला या पुरुष हर किसी को देती थी वो, और मतलब जो इस पेशे में है, चूंकि नाम लेना जरूरी नहीं है, वो महिला संपादक बाद में कहीं नहीं है लेकिन उस समय दूरदर्शन पे वो दिखती थी, उनका एक प्रोग्राम आता था 90 के दशक में, 80 के दशक के आखिर में, 90 के दशक में उनका प्रोग्राम आता था, और वो आप ऐसे ही समझ जाइए, और कुछ दिनों तक उनका चलता था, और बहुत सारे पत्रकार जो आज हैं वो वहीं से ट्रेनिंग लेकर के टीवी में आए, वो इसी ढंग से गाली गलौज करती थी और लोग जलालत में उसके यहां काम करते थे। ऐसे ही ममता बनर्जी को मुझे ये लग रहा है कि ये लीक दूसरा कौन सा करेगा, पार्थो ही किया होगा, और पार्थो के अलावा कौन करेगा, आज के डेट में सब लोग अपने मोबाइल में हर किसी का ऑडियो जो है वो वायरल होता है। तो आप इस चीज को समझ जाइए कि ये राक्षसी प्रवृत्ति की हो जाती है और फिर महिला कार्ड खेलती हैं, ये ममता बनर्जी महिला कार्ड खेल रही है कि राजदेश में, और इसके जो लिबरल गैंग के लोग हैं, जो इसके गैंग के नहीं है, जो अपने राहुल बाबा के लिए यहां से जमीन तैयार कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि यदि ममता जीतेगी तो ममता जो है हमारे पप्पू बाबू को सपोर्ट करेगी, तो पप्पू के समीकरण को तैयार करने के लिए यहां के जो सो कॉल लिबरल गैंग के जो लोग हैं, जो ये माहौल बना रहे हैं कि ममता बनर्जी इस देश की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री है, ऐसी महिला राक्षसी प्रवृत्ति, ऐसी महिला लेकर के क्या होगा, ऐसी महिला जो इस तरह का, ऐसी ममता प्रदर्शित करने वाली जो लाश से खेलना चाह रही है, कह रही है कि रात भर लाश रखो, और उसकी लाश जिसके लिए वो तुष्टिकरण का काम करती है, आप इस चीज को समझ जाइए कि ये क्या खेला है। मतलब ऐसा घृणित काम जो ममता बनर्जी ने किया है, और यदि औरत के रूप में सोचिए तो ममता, औरत तो ममता की प्रतीक है, और कहा जाता है कि जो है महिलाएं जो है पुरुष को जंगली होने से बचाती है, अक्सर कॉलेज में इस तरह के टॉपिक पे डिबेट होता है, उस उम्र में अच्छा लगता है कि महिलाएं जो है पुरुष को जंगली होने से बचाती है, यहां सोचिए कि एक महिला पुरुष को जंगली बना रही है, कह रही पार्थो तुम जंगली बन जाओ। एक महिला, आमतौर पर कहावत है कॉलेज के दिनों में हम लोग ये सुनते थे कि यदि आप किसी गर्ल लड़की से, कोई उडंड लड़का होता था तो कॉलेज के दिनों में कहा जाता था उसकी यदि गर्लफ्रेंड हो जाएगी तो संस्कारी हो जाएगा, और अक्सर ये चीजें देखी जाती थी कि कॉलेज के दिनों में यदि किसी लड़की से दोस्ती हो गई किसी लड़के की तो उसकी उडंडता, उसकी बदतमीजी, उसका जो छिछोड़ापन है वो दूर हो जाता था, तो लोग कहते थे कि महिलाएं जब लाइफ में आ जाती है तो संस्कारी हो जाता है पुरुष, वो जानवर से इंसान बन जाता है। यहां तो एक पुरुष को जानवर बना रही है एक महिला, और कह रही है कि तुम उस बॉडी को कब्जा कर लो, तब समझ में आता है कि ऐसी महिला के लिए जो पॉलिटिक्स की जा रही है, ऐसी महिला के लिए जो कहा जा रहा है कि देश में एकमात्र महिला है, तब आपको समझ में आएगा इस YouTube पे जो गैंग उपस्थित है, इस YouTube पे जो अब भगौरे संपादकों की टीम है जो दिन रात ममता बनर्जी की मार्केटिंग में है, जिसे लगता है कि यदि बंगाल में बीजेपी की सरकार हो गई तो अनर्थ हो जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, यकीन मानिए कोरोना की विपदा बहुत बड़ी है, ये बर्बाद कर देने वाली है आपको, आप अपने आप को खुद ही बचा सकते हैं, कोई नेता, कोई अभिनेता, कोई डॉक्टर, कोई कुछ आपको नहीं बचा पाएगा, लेकिन इसके साथ जो षड्यंत्र है राक्षसों का, उनके षड्यंत्र को समझना है, और बार बार समझना है कि चार फेज के चुनाव के बाद ये माहौल क्यों बनाया गया है, और बार बार ये समझना पड़ेगा कि क्यों इस तरह से टेलीविजन पर इसे बेचा जा रहा है, और जो ऑडियो मैंने आपको दिखाया है उस ऑडियो को नेशनल मीडिया पर अभी तक क्यों गायब रखा गया। मुझे बंगाल से एक साथी ने ये उपलब्ध कराया तो मैंने तुरंत इसे ऑन एयर कर दिया, मुझे लगा कि एक जर्नलिस्ट के रूप में मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन इनके खेला को आप समझेंगे तब आपको चीजें स्पष्ट हो जाएगी कि खेल कितना खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। आंख कान नाक तैयार रखिए, इन राक्षसों से सचेत रहिए, इससे ज्यादा नहीं। ममता बनर्जी के इस
प्लस इस ऑडियो लीक के बाद सोशल मीडिया पर एक माहौल बनना चाहिए और मुझे लगता है कि सरकार को बड़ी गंभीरता से इनकी इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए कि ये दंगा कराने का एक बड़ा षड्यंत्र है। और मुझे लगता है कि इस ऑडियो लीक ने उन लोगों के कान खड़े होने चाहिए जो सिर्फ तुष्टिकरण के कारण अपना वोट थोक में गिराते हैं, जो सिर्फ ऐसे नेता को चुनते हैं जो उनके साथ मजाक करते हैं। सही मायने में ममता जैसे लोग मजाक कर, और यही काम कांग्रेस सालों तक करती रही है। अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी के दौर में बीजेपी का भय दिखा करके तुष्टिकरण के वोट को थोक में, और जब कोई वोट थोक में मिलता था उसके बाद हिंदू को जातियों में काट दीजिए जो लालू और मुलायम करते थे, और उसके बाद यही काम बंगाल में, चूंकि बंगाल में कहा जाता है कि जातिवाद कम है, ऐसा कहा जाता है कि बंगाल में जातिवाद कम है, वैसे मैं मानता नहीं हूं इस चीज को, लेकिन फिर भी बिहार यूपी की अपेक्षा कम है ऐसा लोग मानते हैं, प्रांतीयता उसमें है, बांग्ला भाषा के प्रति उन्हें भाषा के प्रति उनके उनके मन में ज्यादा कुछ रहता है। लेकिन इस विश्लेषण को मुझे लगता है कि आपको बहुत बारीकी से समझना चाहिए, और इस चीज को चूंकि नेशनल मीडिया ने अब तक इस चीज को नहीं दिखाया है, इसे ज्यादा से ज्यादा वायरल कीजिए ताकि इस फैक्ट को समझा जा सके और इस षड्यंत्र को हम सब समझ सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।